हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पी एल एस क्यू एल ट्यूटोरियल सीरीज और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पी एल एस क्यू एल में प्रोग्राम बनाना होता है तो पी एल एस क्यू एल में बनाए गए प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें पी एल एस क्यू एल डेटाबेस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इसी के ऊपर हम लोग पी एल एस क्यू एल के प्रोग्राम को राइट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पी एल एस क्यू एल के प्रोग्राम को बनाने के लिए हम ओरेकल सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए तो आप सिंपली पहले गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पर ओरेकल डेटाबेस 11G का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ओरेकल की कोई दूसरे और भी जो चाहें वो डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको 11G को डाउनलोड करना बता रहा हूँ, तो उसके लिए आप गूगल ओपन करिएगा, देन वहाँ लिखिएगा ओरेकल डेटाबेस 11G डाउनलोड। ठीक है, तो ये लिख करके जैसे ही आप इंटर करेंगे तो देखिए फर्स्ट पेज पे ही आप यहाँ सीधा ओरेकल, देखिए www.oracle.com ये आपको वेबसाइट दिख रहा है, इस ओरेकल के सीधा वेबसाइट पे ले जाएगा और यहाँ पर ये देखिए पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है ओरेकल डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन 11G रिलीज 2 डाउनलोड। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ओरेकल का जो डेटाबेस है, सॉरी वेबसाइट है, वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ओरेकल डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन 11G रिलीज 2 डाउनलोड करके, जो कि जून 2014 में रिलीज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है कि आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है 64-bit का है या 32-bit का है, लिनक्स का है या विंडोज़ का है, उस बेसिस पे आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, तो पहले आप यहाँ एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे आपका जो सिस्टम है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कि आपका सिस्टम 64-bit का है ऑपरेटिंग सिस्टम या 32-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस बेसिस पे आप इस पे क्लिक करके, ठीक है, क्लिक करके जो भी ओरेकल का सॉफ्टवेयर है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले इसमें लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ सीधा ओरेकल लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप सिंपली अकाउंट क्रिएट करके, आसानी के साथ अकाउंट क्रिएट करके उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से यहाँ पर लॉगिन के लिए आएगा। तो आपको जैसे कि अगर आपका अकाउंट है तो आप यहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके साइन इन करेंगे तो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिए। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद एक सिंपल प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पूछा जाएगा, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर फिल करके, जैसे ही देखिए सारे इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका ईमेल आईडी, जो आप पासवर्ड देना चाहते हैं, कंट्री नेम, जॉब टाइटल, मोबाइल नंबर, ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल करके अकाउंट क्रिएट करेंगे। देन आप जब इसमें लॉगिन करेंगे तो जो भी आप यूज़ किए थे, जिस भी लिंक पे आप क्लिक किए थे ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर का, तो वो लिंक का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके सिस्टम पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जब सॉफ्टवेयर जैसे आपका डाउनलोड हो जाएगा, तो मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आपको करना क्या है कि उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ था, जैसे कि आप 64-bit का या 32-bit का जो भी इंस्टॉल करेंगे, तो देन आपको आपको एक जिप फाइल मिलेगा। ठीक है, जिप फाइल मिलेगा तो आपको क्या करना है, पहले उसको अनजिप करना है। अनजिप करेंगे वहाँ पर आपको डिस्क वन नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक setup.exe नाम से एक सेटअप फाइल मिलेगा। ठीक है, तो आपको setup.exe जो सेटअप फाइल है इसको चलाना है, इसको ओपन करना है। देन जैसे सिंपल सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन होता है, आपको सेम वैसे ही सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, देन वहाँ पर आपको पोर्ट नंबर दिखाएगा और वहाँ पर आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। तो आपको पोर्ट नंबर में कुछ नहीं करना है, आप सिंपल नेक्स्ट कर दीजिएगा। जब वहाँ पर आपको डेटाबेस के लिए पासवर्ड पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर ध्यान रखिएगा, डेटाबेस का पासवर्ड जो भी आप डालिएगा आप उसको याद रखिएगा, क्योंकि जब आप इस ओरेकल डेटाबेस के सॉफ्टवेयर कमांड लाइन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको उससे कनेक्ट होने के लिए वो डेटाबेस का जो पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन के टाइम दिया होगा वो पासवर्ड आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सिंपली इंस्टॉलेशन करिएगा, वहाँ जो पासवर्ड पूछेगा एक बार कंफर्म करने के लिए भी पूछेगा, तो आप उस पासवर्ड को डाल करके कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, देन उसको सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे तो डेस्कटॉप पे ऐसा गेट स्टार्टेड विथ ओरेकल डेटाबेस 11G तो इस नाम का एक ऐसा एक आइकॉन आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, ओरेकल डेटाबेस के इंस्टॉल होने के बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर ऐसा आइकॉन दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है वो डायरेक्टरी जहाँ पर अपना एसक्यूएल डेटाबेस इंस्टॉल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस डायरेक्टरी में जाएंगे, आपको मिलेगा ये देखिए
ओरेकल डेटाबेस 11G एक्सप्रेस एडिशन जो आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा रन एसक्यूएल कमांड लाइन। तो आपको रन एसक्यूएल कमांड लाइन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए एसक्यूएल का कमांड लाइन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हम जो भी पीएल एसक्यूएल के प्रोग्राम है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। पहले तो मैं इसका फॉन्ट को इंक्रीज कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। चलिए ये फॉन्ट इंक्रीज हो गया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस पर आपको काम कैसे करना है। देखिए इसके विंडो के ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले तो आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो जाकर के आप इस पे काम कर पाएंगे। तो डेटाबेस से प्रोग्राम को कनेक्ट करने के लिए पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट क्लिक कर इंटर करेंगे, तो जैसे ही आप कनेक्ट कर क्लिक करके इंटर करेंगे तो यहाँ बोल रहा है इंटर यूजर नेम। तो आपको अब यहाँ यूजर नेम डालना है। अब यूजर नेम क्या होगा, तो देखिए जो सिस्टम का डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो होता है सिस्टम, ठीक है। ओरेकल का डेटाबेस का जो डिफॉल्ट यूजर नेम है वो है सिस्टम। तो आपको इंस्टॉलेशन के टाइम में आपको वहाँ यूजर नेम नहीं डाला होगा, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, आपको केवल यहाँ पर यूजर नेम में सिस्टम ही डालना है, ठीक है। सिस्टम डालेंगे, देन यहाँ पूछ रहा है इंटर पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जब आप डेटाबेस को इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन के समय जो आपने वहाँ पासवर्ड डाला होगा डेटाबेस में वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो जैसे जो भी मैं पासवर्ड आप डाले हैं आप वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। तो पासवर्ड जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड आपको दिखाई नहीं देगा, आपको बस यहाँ टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आप इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कनेक्टेड, मतलब अब हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। चलिए अब यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब प्रोग्राम को जैसे लिखना है, जैसे कि आपको देखिए मैंने आपको बताया था पिछले सेकंड ट्यूटोरियल में कि कैसे प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पर देखिए तीन ब्लॉग है, डिक्लेयर ब्लॉग, बिगिन ब्लॉग और एंड ब्लॉग, ठीक है। इसी प्रोग्राम को मैं अभी राइट करके आपको दिखाता हूँ कि प्रोग्राम को हम लोग कैसे लिखते हैं और कैसे इसको रन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो होता है डिक्लेयर ब्लॉग, ठीक है, पहले आपको लिखना है डिक्लेयर। डिक्लेयर लिखकर इंटर करेंगे तो डिक्लेयर ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए जैसे मान लीजिए मुझे str नाम का वेरिएबल बनाना है, तो वेयर कैर 2 और 20 ये मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर ले रहा हूँ वेयर कैर, ठीक है। इसके बाद कॉलन इक्वल टू और यहाँ पर मैं वैल्यू दे दे रहा हूँ जो मेरे स्टोर करना है टेक्निकल नोट्स, ठीक है। ये मैसेज मुझे स्ट्रिंग जो है कि इस str वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो ऐसे मैंने लिख दिया। देन अब यहाँ पर बिगिन ब्लॉक स्टार्ट होगा, बिगिन। उसके बाद बिगिन ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल में ये जो स्ट्रिंग स्टोर है इस वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे। तो वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए पी एल एसक्यूएल में लिखते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन line ब्रैकेट, देन यहाँ पर हम लोग इस वेरिएबल को पास कर देंगे str जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को यहाँ पर पास कर देंगे। तो यहाँ पर dbms डॉट पुट लाइन आउटपुट डॉट पुट लाइन हमको यहाँ पर str की वैल्यू को प्रिंट करा के आउटपुट देगा, ठीक है। इसके नीचे हम लिखेंगे यहाँ इंड सेमी कॉलन इंटर, ठीक है। तो यह इंड ब्लॉक हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये बैकस्लैश लगा करके इंटर करेंगे। तो देखिए जैसे आप बैकस्लैश लगा कर इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए मैसेज मिल रहा है पी एल एसक्यूएल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर जैसे ही आप प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम बनाने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले होता है पी एल एसक्यूएल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। देखिए यही मैसेज डिस्प्ले हो रहा है ना, बट अगर यहाँ पर आपको आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था आपको आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सेट सर्वर आउटपुट ऑन, ये जो SQL प्लस का कमांड है आपको इसको पहले सेट करना होगा, उसके बाद ही आप PL SQL के प्रोग्राम को यहाँ पर रन करके आउटपुट पा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ये काम आप स्टार्टिंग में ही कर लीजिएगा, मैं आपको अभी बेसिक है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये सर्वर जो सेट्स सर्वर ऑन ये अगर आप नहीं लिखते हैं तो अगर आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सेट सर्वर आउटपुट ऑन, ठीक है। देखिए सेट सर्वर आउटपुट ऑन ये लिखकर आप इंटर करेंगे
तो अब आप इस PL SQL के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसे ऑन तो हो गया, अब हमें लिखना होगा, देखिए फिर से प्रोग्राम को हमको लिखना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। या तो आप रीयूज कर सकते हैं जो भी लिखा हुआ कमांड है। तो इससे अच्छा एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो जब आप इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप इस प्रोग्राम को डायरेक्ट इस एडिटर पर मत लिखिएगा, आप उस प्रोग्राम को नोटपैड, वर्डपैड, जो भी आपके पास एडिटर सॉफ्टवेयर है, आप वहाँ पर उस प्रोग्राम को लिखिएगा। देन यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए वर्ड में ये जो मेरा फाइल था, इस फाइल को यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी फाइल को दोबारा से यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आ जाने के बाद इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, माउस काम नहीं करता है, शॉर्टकट के थ्रू कंट्रोल वी के थ्रू यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वापस से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हुआ नहीं है, ये हो गया कॉपी। देन यहाँ पर आए और यहाँ पर हम लोग उसको पेस्ट कर देते हैं, ये देखिए आ गया ना। तो ऐसे आप यहाँ कॉपी पेस्ट करके जो भी आप प्रोग्राम में एरर या करेक्शन होगा तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखना है, ये लिखने के बाद आपको बैक स्लैश लगा करके जैसे आप इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है टेक्निकल नोट्स, जो कि यहाँ पर हम लोग ये वेरिएबल के थ्रू जो वैल्यू स्टोर कराए थे। तो DBMS पुट लाइन ये जो है बिगिन स्टेटमेंट के थ्रू ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर हमको आउटपुट में प्रिंट हो रहा है टेक्निकल नोट्स। सो फ्रेंड्स, ऐसे आप PL SQL के प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल क्लियर हो गया होगा। आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल से अब मैं आपको PL SQL के सारे इन्फॉर्मेशन को, सारे टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन कवर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल नोट्स को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।